ਸਿਕਣੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਵੇ ਟੈਰਸ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਟ ਬਿਟ ਵੇਂਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਛਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲ ਸਕਾਉਂਦੀ ਏ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆਏ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਓਏ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਲਚਾਵੇ ਅਜੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆਏ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਭਿਗੋਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜਲਸੇ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ऑपोजिशन करोना चाहती है याद है बेहद जरूरी लो फिरा रहे हैं वासे चौधरी देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी क्या हाल चाल है बिल्कुल ठीक सर माफ कर दीजिएगा आज अखबार पढ़ने का थोड़ा मूड हो रहा है रात को 11 बजे अखबार पढ़नी होती तुसी आ जाओगे ना कीजिएगा आदमी अपने घर में सिर्फ दो वजह से ही खुश रहता है या तो बीवी नहीं हो या नहीं हो बेगम शोहर से मैं कैसी लग रही हूँ शोहर बिना वजह लड़ाई के बहाने ढूंढती हो मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि कंप्यूटर और मोबाइल इंसान का वक्त बचाने के लिए इजाद हुए थे आधी रात फ्रिज खोलने पर जो चीज़ मिलती है उसे मायूसी कहते हैं आज के दौर में भाई ब्रो हो गया बहन सिस होगी खावंद हबी हो गया मजाल है बीवी लफ्ज से किसी ने छेड़खानी की हो मोहब्बत एक बहुत बड़ा धोखा है मेरी तरह मासूम बन जाओ अभी भी मौका है लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर हैं पंजाब के अंदर फॉर इंटरफेथ हार्मनी माइनॉरिटी अफेयर्स और ह्यूमन राइट्स जनाब एजाज आलम ऑगस्टाइन और जितने लंबे होते हैं हुकूमत के दावे उतनी ही लंबी है हमारी अगली मेहमान भी मॉडल इकरा महमूद जी मिलजुल कर तख्ते शाही पर पीटीआई बैठी है इससे बढ़कर और भला क्या फनकारी हो सकती है इन फनकारों और सियासतकारों में ये एजाज भी है इनसे पूछे किया कराया क्या पीडीएम धो सकती है वाह 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 जी मेरा शेर पीटीआई ली इरशाद के खुशहाली का इंज दिलासा दिता है खुशहाली का इंज दिलासा दिता है हाकम ने हर हाथ विच कासा दिता है खुशहाली का इंज दिलासा दिता है हाकम ने हर हाथ विच कासा दिता है ते सौ सानू साढ़े हंजवां दी चीकां तो भी भैड़ा हासा दिता है आप तो मोहल्ले के हर राज से भेती होंगी घर में बैठ के ही साथ वाले घर में पैगाम देती होंगी जितना बड़ा आपका कद है इकरा आप तो बगैर सोटी के भी पतंग लूट लेती होंगी इजाज साहब क्या हाल है आपके मैं बिल्कुल ठीक हूं ठीक ठाक हैं हुकूमत कैसी चल रही है सर हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही है जनाब कैसे लग रहे हैं जलसे जलसे तो कोरोना ही फैला रहे हैं जलसे कोरोना फैला रहे हैं हाँ जी इतने ताड़े जलसे आइसक्रीम फैला रहे हैं ताड़े जलसे उदो सी जब कोरोना फैलिया नहीं सी आपके जलसे तब थे जब कोरोना नहीं फैला हुआ था जब कोरोना की दूसरी वेव खतरनाक नहीं आई थी अभी तो आपको पता है कि जो हालात हैं जहाँ साहब वैसे ये तो कोई बात ना हुई कि जब आप करें तो आगे से कहे कि सेकंड वेव नहीं आई थी वो करे तो सेकंड वेव आ गई असूलन तो आप दोनों को नहीं करने चाहिए थे सिरे से ही क्योंकि देखिये कॉन्सेप्चुअली जब हुकूमत वाले खासतौर पर
एक तरफ जलसे और कन्वेंशन कर रहे हों और फिर दूसरी तरफ कह रहे हों सबको कि एहतियात करो एहतियात करो, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफाई हो रही हैं, कोई पॉइंट भी पुट अक्रॉस नहीं हो रहा सही। नहीं चौरी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमने एक ही जलसा किया था हफ्जाबाद में जी, वो भी बेसिकली प्रोजेक्ट की ओपनिंग थी, मगर वो बड़ा जलसा आपने किया था वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने फैसला किया कि आइंदा कोई जलसा नहीं। उस दिन से कोरोना नु जाके कह गए कि यार आज जरा कंट्रोल कर, उस दिन कोरोना का नागा था। नहीं नहीं उस वक्त जो हालात थे ना ऐसे खतरनाक नहीं, मगर मुझे ये बताएं कि ये जो अब जलसे कर रहे हैं और जो जलसे पे जलसा और वो तो रुक भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो हम नहीं रुकेंगे ना हम सुनेंगे, गिरफ्तारियां दे दो सब कर लो, तो ये क्या होगा? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों की जिंदगियों से खेलने के मुतरादिफ है। अच्छा मगर मुझे इजाज़ साहब एक बात बताएं कि चले वो तो कर रहे हैं, उनका तो एक पॉलिटिकल मकसद भी आप कह सकते हैं, जो भी एक होता है एक रैली का अपना एक मूवमेंट का अपना मोमेंटम होता है आप उसको रख रहे होते हैं, मगर वो लोग कहाँ से आई जा रहे हैं? लोग भी आई जा रहे हैं। देखिए डेफिनेटली वो 13-14 पार्टियाँ हैं, अगर वो एक एक पार्टी को 200-200 लोग भी लाए तो जलसा तो बन जाता है ना। दो क्या बात है ना, ये भी 1000 बंदा ही है। 1300 मतलब कि आपने टोटल अपने तरफ से देखें ये 2600 बंदों का जलसा किया है। बात सुनने मैंने तो एक एग्जांपल दिया, जारी बात है कि 14 पार्टियां हैं 13 पहले 14 वो अब अंदाजा करें कि इतनी जारी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं समझता हूँ लीडरशिप को उन्हें बताना चाहिए कि हालात क्या है। अभी देखें बहुत सारे लीडर कोरोना पॉजिटिव है। मैं जहाँ सानु पूछा मैं क्या मुल्तान जलसे च किन्ना राज सी, कहिंदा बंदा 5-6 हज़ार सी बाकी कैमरे की सफाई यार उन्हां दा 1000-1200 ही हुंदा बाकी 10-20 हज़ार इन्हां दा हुंदा कि वेख के ते आइए करन की डे ने। अच्छा यार तुसीं मैनूं इह दस्सो तुहाडा पार्टी किहड़ी नाल लग्गे? साडा काफ लीग दा। काफ लीग दा असी भाई परवेज लाई साहब वाला जी काफ लीग नाल तअल्लुक है, जिहड़ी पार्टी है उहदे नाल मिल जांदे ने। वैसे आपने देखे इनके जलसे करा? इन्हां ने तो घर बैठे वेख ले हुण। घर बैठ के टीवी पे देखती हूँ मैं। मगर टीवी पे देखती हैं आप तो क्या आपको पहली फीलिंग आती है अब देखती हैं इतने लोग हैं वहाँ पे सब जलसा हो रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं सब? क्या आप पैगाम देना चाहेंगी? वैसे मेरा कोई पैगाम नहीं, हर किसी की अपनी मर्जी है, बट मैं ये कहूंगी कोरोना है घर बैठना चाहिए। कोरोना है घर बैठना चाहिए, लेकिन तुसी इलेक्शन तक लो जो सारे कहेंगे इन्हां दी सियासत दा कद बहुत उच्चा है। देखिए कैसे उन्होंने बात की है कि जो भी सेंसिबल बंदा है वो यही कहता है कि कोरोना है घर बैठ जाए। बिल्कुल, खैर घर बैठने का तो आपको बड़े अरसे से कह रहे हैं अपोजिशन वाले। अपोजिशन वाले तो हमें लाना ही नहीं, वो तो कहते थे कि इनको शेरवानी का बटन भी नहीं देना, लेकिन फिर देखे वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। शेरवानी नून लीग वाले इन्हें घर पहनता नहीं पट्ठा पहनता कह रहे हैं। मगर वैसे हाइट 6 फीट 6'1" हो गई है, आप लास्ट टाइम तो 6 थी। मेरी तो आज पहली दफा हुई है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैं तो दाद देता हूँ आपकी सिलेक्शन बहुत जबरदस्त है ना। सिलेक्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमारी बड़ी जबरदस्त होती है। सारा मैं तुहानू इन्हां दी जात साहब दी गल दसना, इन्होंने जो देखे ना इन्हों तो मैनू कहिंदे जी वापडा वालिआं कोई मॉडल लिआंदी तुसीं। मतलब इजाज साहब आपकी हाइट क्या है? इन्हां सामने तो कुछ भी नहीं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इकरा ये बताएं पढ़ाई खत्म हो गई आपकी? जी। तो अब ये मॉडलिंग से आगे आपने कुछ सोचा, आप प्लान कर लिया या अभी भी नहीं किया हुआ? डू यू वांट टू ट्राई योर हैंड्स ऑन एक्टिंग और इज जस्ट गोइंग टू बी मॉडलिंग? नहीं, मैंने मॉडलिंग से पहले ही प्लान कर लिया हुआ था, क्योंकि आफ्टर माय एमबीए स्टार्टेड फैशन डिजाइनिंग, उसी के बाद आई स्टार्टेड मॉडलिंग, तो अब मॉडलिंग से दोबारा मैं अपनी फैशन डिजाइनिंग पे आ गई हूं। लेकिन हमने वादा किया था पिछले एपिसोड में आपके लिए कोई रिश्ता देखेंगे। हाँ तो देखा आपने? देखा नहीं, बेटे कादला मिले नहीं, मैं तो यादगार जाके दुआ की थी उत्थे भी नहीं मिले जी। आपको मिला भी ऐसा या फिर 5-5 ही चलेगा? डिपेंड करता है, थोड़े लंबे कद वाले लड़के को बताएं। हाँ तो छोड़ दिया मैंने। अच्छा छोड़ दिया, तो कैसा लड़का आप चाहिए फिर बताएं? मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था। नहीं नहीं वो तो लंबा कद हो, मेरी हाइट हो, मैंने बताया था कि नॉर्मल हाइट हो,
केयरिंग हो, तुसी का तो खुश हो रहे जे नॉर्मल तो जा साहब आज प्यारे लग रहे जे, मकसद नहीं है ताडे अलग। मैं कैसर दे मुंह दे एक्सप्रेशन वेख रहा ज्यों ज्यों वो गल करते पे रहे वो नाल नाल मैं किली जा तो यानी कि नॉर्मल हाइट हो 6'1" पे आपको नहीं कोई नजर आ रहा, आप सोचे कि आपको 6'1" से कोई नजर नहीं आ रहा तो हम लोगों को कहां से नजर आएगा? नॉर्मल कितनी मतलब हाइट? 5'10" 5'11" नॉर्मल। 5'10 अच्छा, इनको पता है कि 5'10 5'11" नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, उनके वास्ते तो नॉर्मल ही है ना, कोई आपको नजर ही नहीं आता कोई बंदा जिसके छह। इनको इनको पता है कि आजकल चूंकि 5'10 तक बहुत मुश्किल आ रहे हैं तो ना नॉर्मल थे लोग ना राधा ना चलो 5'11" सर जी। लेकिन जिड्डा उन्हों का कहता जाद भाई तुम तो उन्होंने बैठे कोडू लग रहे जी kindly मुझे कुछ ऐसी जगह दें ताकि मैं मैंने तो कहा है प्रोमिनेंट रहूं, हमें भी कुछ गद्दियां गुद्दियां दे दे ताकि कम से कम हम इक्वल तो लगे। तुसी मेनू दस दे, मैं इटा रख देनी है सोफे ते मगर नहीं ला साहब देखिए वो उनका कद है, ये आपकी अपनी पोजीशन है, आप इसमें बेहतरीन लग रहे हैं, वो उसके अंदर लग रही हैं। वैसे आप बताएं, आपने उनकी जैकेट देखी कितनी जबरदस्त दीदा जेब के सब की है? नहीं सारी बात है वो मॉडल है ना। नहीं मगर वैसे किसका डिजाइन है? रिजवान बेग। रिजवान बेग साहब का ये बड़ा जबरदस्त जैकेट। मैं रिजवान बेग की एम्बेसडर हूँ। अच्छा, ठीक। वो क्या कह रहे थे? मैंने कहा पता रिजवान की जैकेट है। बड़े मशहूर डिजाइनर है हमारे और उनकी ये जैकेट है, इन्होंने पहनी हुई है जो उनकी क्रिएशन है और बड़ी जबरदस्त कलरफुल है, आपको पसंद आई? नहीं जबरदस्त है, जबरदस्त है। आपको भिजवाएं कैसी? आप ये मॉडल है क्योंकि इनको ऐसी ड्रेसिंग सूट करती है, अब हमें तो नहीं। आप कभी ट्राई तो करके देखे, आपने कभी ट्राई किया ऐसा? सर तुम अपना कोट भेजो तो पा आपने जारी बात है अपनी पोजीशन के हिसाब से ड्रेसिंग करनी होती है। जारी बात है जब किसी का एक स्टूडेंट लाइफ का जो दौर होता है। अच्छा उस जमाने में आप कर चुके हैं ऐसी? उस वक्त तो चलता है सारा, लेकिन जब आप किसी पोजीशन में आते हैं तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं। मगर सर ये कहाँ पे है? देखें ये कोई अब इसका कोड ऑफ कंडक्ट तो बना नहीं हुआ ना कि इजाज़ साहब यही पहनना है इस पोजीशन के अंदर। हाँ तब आपको ज्यादा करना चाहिए था कि लोग आपको फॉलो करें। जी आपको फॉलो करें। नहीं दैसी बात है। सर छोड़े, आप रिजवान बेग साहब से बात कर सकती हैं अगर ये वाली जैकेट मर्दाना में कोई भिजवा दें वो। सर करें अगला कैबिनेट का इजलास सर इसके अंदर आप अटेंड फेर दें सारों के जैकेट तो आए जनाब। आप जैकेट भिजवा देंगे, आप वादा करें कि आप पहन के जाएंगे बुज़दार साहब के सामने? जनाब बुज़दार साहब के सामने पहन के जाने में क्या हर्ज है मुझे बताएं। सर ना पायो सारे ने कहना है भाजी फिर मदारी शुरू कर ली। मगर बड़े अच्छे लगेंगे मुझे लग रहा है जा साहब, नए साल के अंदर ही होना चाहिए आगाज। चले चले पहले मेरी बात। और सर जी ये गा भी लेते होंगे आई थिंक, मुझे लग रहा है ये गा ये पहन के अगर क्या ये सच है कि आपको गा भी लेते हैं? नहीं मैं तो नहीं गा सकता। ये आपका बेटा तो गाता है आपने बताया? मेरा बेटा गाता है, मैं तो नहीं गाता। तो आप ही से सुर मिले होंगे ना उनको? जरूरी नहीं है कि आप का बेटा कोई वोकलिस्ट है तो आप भी गा सकते हो। अच्छा तो यानी कि नहीं है आपको शौक है कोई सुनने वुनने का? सुनने का शौक। किसको सुनने का शौक है? मुझे ज्यादा राहत को सुनता हूँ, गुलाम अली साहब, गुलाम अली साहब को, राहत सजाद अली, सजाद अली। कोई बड़ा लग रहा है दर्द से नाता है आपके दिल का? नहीं दर्द का तो नहीं, वो तो बंदा पैनाडोल खा लेता है। मतलब आपने सिंगर बड़े वो गिनवाए ना मुझे जो बड़े जबरदस्त प्रो हैं दर्द का गानों में। जनाब ये सिंगर नु किदन तुसी अस्पताल च वेखे है? दर्द का इतने दर्द वाले, लेकिन वो अच्छा गाते हैं। आप अभी देखें सजाद के नए जो रावी है उसका बड़ा जबरदस्त जो है, तो रावी एक बड़ा सैड उसके अंदर एक। देखिए जरूरी नहीं होता। आप कौन से सजाद के बेबिया सुनते हैं? देखिए बात सुने एक अपनी मैं जो है ना जो नीम जो क्लासिकल है ना बस देखिए ना कुछ निकल रहा है हल्का। आप सजाद भाई का कोई हैप्पी सॉन्ग बता दे? नहीं ऐसा नहीं है मुझे कोई। राहत साहब का कोई हैप्पी? राहत के तो बहुत ज्यादा है। जैसा कि एक कुछ सुना दो। नहीं राहत का मुझे असल में ना जी सुनने की हद तक शौक है। फिर आपका दर्द से नाता है सर? सही कहे यार केड़ी दर्द ना नाता है मैं दस सकता। ये तो तुम्हें नहीं पता होता, ये बड़ी पुरानी एक कुछ ठोकरे होती है जो इंसान को लगी हो दिल से। ये देखिए ना ये
भाईजान तुम मैंने कितने अस्पताल देखे हैं सर मुझे बताएं कॉलेज का वो जमाना हाँ जी वो उसके अंदर जिसमें आप कभी कोई रंग भंग पहनते थे तो क्या हुआ ऐसा एजाज अहमद ऑगस्टाइन के साथ एजाज आलम के साथ कि उन्होंने रंग पहनना छोड़ दिया मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ भाईजान किसी के और के साथ हुआ था और किसी के साथ आप अपनी जो है अपनी चीजें हम पे ना थोपे दोस्तों से गल्लां सुना रहे होंगे ने कि आसिया बहुत प्यारी लगती थी मैं भी उससे बहुत प्यार करता था बाप चोद की शादी होगी ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा सर जी रंग भी आपने काला पहना है गाने भी दुखी सर जी हर गल उधर ही जा वो गाना आपने सुना हुआ है काला जोड़ा पा हाँ जी सुनना है कैसा लगता है ठीक है बस गाने की हद तक ठीक है तो और किस हद तक जाना था मैंने नहीं आप जिस हद तक आप दर्द की तरफ लेके जा रहे हैं आपको दर्द नहीं है नहीं हमें कोई दर्द नहीं उस हद तक जाना चाहते हैं कि तुम घर तक ना जाओ फिर वो सुने दर्द रुकता नहीं रुक जाता टाइम ना चले जा गवर्नमेंट प्राइवेट दफ्तर कंटीना बंद हो गई ने उन्हें क्या बिकॉज ऑफ कोरोना कोई ना इतने रोटी खावे ओ मैं क्या दिस इज गुड चांस मैं क्या तो अजय रोटी दे टिफिन मैं तो पहुंचा दिया करांगा तुसी अपना खाओ बातों मैं साइकिल लिया कूड़ा आए थे ओ साइकिल ते मैं टूरो टूर जा रहा था ओ एक रेड़ी दे बेचे बजा हर शाही कल्टी पुल्टी हो गई ओ मैं किसी का धनिया गोश्त सी ओनू मैं किधरे मास दी दाल दे आया उन्होंने सारे ने आपस चेक किते किसी का टिफन ही ना रले उन्होंने फिर कंबाइंड मेनू मिल के एक सुन्ने छुडे एक बंदे ने टक्कर मारी है मेरी नासा दे उते ओदे नाल मेरे चौर पटौर ही पौ गए ओ फिर एक बंदा आया बड़ा अच्छा नफीस आदमी सी ओने मेनू लत्तां तो फड़ के ते इंज करके घुमाया उस तो बाद मेरे गोजे ते लत मारी है वो पचूनी निकल गई वो फिर मैं जरा को जाके पचूनी चढ़ाई ते पट्टी करा के ते आया मैं सवेर का कुछ खादा ही नहीं मेरी सारी कैलरीज डाउन हो गई है ना किवें खाएगा तेरे ते सट लगी अगे मार खा ले सेलमी आज मैं बारबी क्यू खाना है ले बारबी बड़े दिन हो गए मैं बारबेक्यू दा मुंह नहीं देखा आप में से किसी के पास है मेरे पास तो कुछ कितने पैसे चाहिए मेरी जान को आई नीड जस्ट 1500 रुपीस तू साडा भरा है गा साडे लो ना ही है थैंक यू आई ने ना गेस्ट ओवर है ही इज अ मिनिस्टर ओए वोट पाओ मिनिस्टर ओ मिनिस्टर PTI, I yes. love PTI. Mr. Imran Khan is a great superman in Pakistan. One and only. हाँ जी मैं तो जैनमन दस रहे बड़े जीनियस लीडर है इस दौर का उन्हें पता लग जाएगा और जदों दा आ गया इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ बन गया नवा मेरे ख्याल नहीं उन्होंने सर सिर्फ चंदा लेईदा नहीं चंदा देईदा अपना कोरोना ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯੈਸ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ 5000 ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 5000 1500 ਸੀ ਨਾ 1500 ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1500 ਮੇਰਾ 500 ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾਣੇ ਵੀ 1500 ਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਗਾਈ ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੋਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕਰਾ ਓ ਯੈਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ
वाओ, कितने पैसे में? पता है उनकी हाइट जो है 6'1" है, सेम लाइक मी। नहीं, मेरे जेंच भी है कि मेरी भी हुंडी। तेरी एज है 6'1'2"। आपकी एज 6'1" है। मनुष्य मोया पुलेशन। But this is a good thing. To see Majid, to Raki karoge, because you to jere face. उनकी बात। अच्छा, मैं कहा शायद आपने कहा बीच में मैं भी इंसर्शन दे देता। नहीं नहीं, ये हूँ मिनिस्टर ने इस तो अगे कितने जान गए। ओ बच्ची जी, मैं गल कर रहे हैं सिंगर वे। हेलो, पहले तुसी नहीं अपना नहीं वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इकरा, ये बताएं, अब आपकी हाइट रुक चुकी हुई है ना? जी जी। आखिरी बार आपने कब की थी ये 6'1" जब निकली थी? क्या मतलब आगे नहीं, मैं अब डर ही लग रहा है, पता कहीं निकली थी क्या? 3-4 महीने बाद 6'1" पॉइंट कुछ आगे निकल गई है तो बात अब खत्म हो, काफी अरसा हो चुका है ना। वो पूछ रहे हैं कि ये प्रोसेस रुक गया है या बढ़ रहा है? ऑब्वियसली रुक गया है, रुक चुका हुआ है ना ये। घर में सिर्फ आपकी ही हाइट इतने के भाई बहन और भी? भाइयों की भी है, बहनों की भी है। नहीं इतनी नहीं है, मतलब 5'10" 5'9". बाकी सिबलिंग्स की आपकी हाइट जो है 5'10" 5'11" इस जोन में है। ये एक्सेप्शनली आपकी 6'1" है और आप सबसे बड़ी है अपने सिबलिंग्स में? नहीं नहीं नहीं, मैं फोर्थ नंबर पे हूँ। फोर्थ नंबर पे है, मगर आप सबसे ऊंची है। मेरी नानी माँ की हाइट थी 6'3" 6'3" आपके पेरेंट्स जो है वो भी इतनी हाइट के 5'11" 5'11" और 5'10" तुसी कितने आलम चन्ने दे कजन तो नहीं सर? मगर नहीं, वेरी रिमार्केबल 6'3" हाइट आपकी नानी की थी। और नाना की हाइट वो भी इतनी थी 6'2" 6'3" 6'2" वो भी थे। जा साहब, मसनखा चक्का पाके गल कर दे। हां की और उसके बाद नीचे बात करनी हो। हां किए, मगर नहीं बड़ी वैसे देखे। बड़ी बात है जी, है ना जा साहब? तेरे जा साहब माशाल्लाह अपने खानदान जो सब तो बड़े ने। अच्छा जी, उछलो नहीं थे क्योंकि जाहिर बात है मिनिस्टर ने तो बड़े ही रहे ना। मैं क्या कद तो नहीं कह रहे, कद तो नहीं कह रहे, नहीं तो उन्होंने कोई जुगत कर देनी फिर। ये जुगत का आपको शौक कब से है? जब से आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ तो जाहिर बात है आपके लिए कुछ ना कुछ तो काउंटर में। अच्छा, ये हमारे लिए लेकर आते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, ये देखें एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है तो इसमें नहीं। मैंने कहा शायद वैसे भी होता हो ना, आम तौर पे भी कभी हुआ दोस्त नहीं, वो जरा मेरे भाई हैं आपको पता है कि उनके साथ सर फैमिली से शादी हो जा साहब देखो हसन वाला नहीं बुलाते, उन्होंने कहते जा साहब आ रहे हैं। मगर वैसे आम तौर पे घर पे और या दोस्तों अहबाब के अंदर भी आप करते हैं इस तरह हल्की हल्की? हाँ हाँ जैसे होता है। अच्छा, वहाँ पे भी चलती है ना? यानी कि सिर्फ ये तो नहीं ना कि यहाँ पे आके आप शायद मुझे लगा जुगते याद करके आते हैं? नहीं ऐसे फिर लिफ्ट में आते हो आपने ऊपर कहा आज आया नहीं करांगा ये वाली भी करूंगा मैं। नहीं नहीं, मगर वैसे यूर अ लाइवली पर्सन। एक जस्ट लाइक होता है हर आदमी में थोड़ी सी हिस होती है, थोड़ी सी बिल्कुल हर आदमी में इकरा हिस तो होती है बिल्कुल। एक मुस्कुराने की भी होती है, गम की हिस भी होती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी होती है। अच्छा, इनमें गम की ज्यादा लग रही है। ये जुगतां करते बहुत ने, मसलन कारगे ने भाभी कहंदे मैं तेरे लिए मुर्गा बना दा, कहंदे मैं तेनू इंसान अच्छा नहीं लगता। हसमुख एक पर्सनालिटी है आप, यू नो यू आर ऑलवेज स्माइलिंग माशाल्लाह एंड एवरीथिंग। नहीं होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए सर, एक बड़ी मशहूर मैंने कहीं पढ़ी हुई है कि जो लोग बहुत हंसते हैं वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं। नहीं वो वो आपने चार्ली चैपलिन का सुना होगा कि वो नहीं नहीं सर उसके बाद बड़े प्रोग्राम देने ते जा साहब ने कहना आ देखो मैं रजिया लिखाया। मूंगफली लई अद्धा किलो, पिस्ता लिया, बादाम लिया, घर बच्चे नूं दित्ता क्योंकि मैं जा रहा सा ना। मैं क्या बच्चे तो पिछे फिर शुगर लगे रहे। पहुंचे उत्थे मैंने जाके तो कहंदा कि पहले डिनर करना के लंच। मैं क्या ऑफकोर्स पहले लंच होता फिर ही डिनर होता। मैंने कहते मैं चेक कर रहा सा भी तू हाजिर है कि नहीं। मैं क्या सर असि तो 24 घंटे हाजिर होने, पाकिस्तानी पुलिस द चौकस ऑफ द एंकर।
मैं कहना इस वास्ते तेन बुलाया मैं कहना एहतजाज नागुजीर हो गया पाकिस्तान टापो टाप जा रहा काम कहंदे ने इसे वास्ते तैनूं बुलाया ट्रंप साहब कहंदे ने मैं कराची का जलसा वेख्या कोयटे का जलसा वेख्या पिशावर का जलसा वेख्या मुल्तान का जलसा वेख्या भाई मैं लाहौर का जलसा वेख्या पर मेरे को वेख्या नहीं गया इसके बावजूद ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान च मेरा जलसा करा दे तो कहंदा व्हाट शुड आई डू मैं क्या सर वीडियो लिंक तो करो मैं आवाम उत्थे इकट्ठी कर देंगा मैं क्या उन्होंने एहतजाज किया है तो उत्थे तुसीं की हासिल करना चाहते हो कहंदे ने जिन्होंने किया मुल्तान उन्होंने की हासिल कर लिया मैं क्या सर तो फिर नुकसान ही है ना 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 कहना नुकसान नहीं है गा। पूरी दुनिया दे विच जिन्ना भी मीडिया चल रहा है उदे ते कम अज कम बंदा दिखाई तो देंदा कि मेहनत कर रहा है मैं क्या गल थोड़ी वधिया पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी मैं क्या ऑफकोर्स इकट्ठी हो जाएगी जिहड़े डंडे मार के असीं पब्लिक भजाने आ ओह डंडे मार के मैं इकट्ठी कर लांगा मैंने कहंदे ने वैरी गुड तो आवाम का की बनेगा उन्होंने करोना नहीं होएगा मैं क्या तुसीं अपने आप नूं बचाओ आवाम दा अल्लाह मालिक ते हुण मैनूं इह दसो कि पीडीएम दे किस बंदे नाल मैं गल करां मुझे नहीं पता लेकिन अभी खैर मेरे पास मेहमान बैठे मैं शो के दरमियान में हूं ओ मां चल एडे सोहणे मेहमान बुलाने कि जश दे नहीं माशाल्लाह उमर गुलर डीजे ब्रेवो अरे नहीं टीम नाल नहीं गए न्यूजीलैंड अरे नहीं Oh Lord, Oh my God, Ukaada. Lord, the so mira. Asal jana mere shishe hai ne dark. Shishe bhi dark ne, yadi sehat bhi dark hai. Isliye kisi ne pehchan nahi. Nahi sir, main pehchan. Mainu aaj bhi yaad hai Karachi jisle engineering university tusi padh rahe ho. Main kithe sa? Kithe sa? Main Lahore sa apne ghar. यार मैं नाल तो नहीं सी ना जाना बट सानू चूंकि खबर होंगी यार बंदे दी मैनू ओदा यकीन से भी सियासत आउणगे क्योंकि इन्हों का अंदाज तकल्लम ऐसा सी इहदा की मतलब होंदा छड्ड दियो गेट अबाउट माशाल्लाह पहली बारी एमपी होए ने इन्नी मैनू खुशी हुई है मैं कहना ऐसे नफीस आदमी इकरा जी हाँ जी मैं सदके जावा इसलिए अपने जिन्हिया भी मॉडल ने सारे चो कदावर ने बिल्कुल जी सर जिसले वॉक हो रही होंगी इन्हों पता होंगे भी कौन गलत तुर रहे कौन सही क्योंकि उतू देख रहे होंगे सही जा रहे लेकिन इसलिए माशाल्लाह नंबर वन ने अगर तेन साढ़े ना मुहब्बत है ना ट्रांसफार्मर तर चढ़ के गिलियां तारन टाकी मार सर मैं दो बारी मारी है गिलियां तारन टाकी एक बारी मैं यही हाथ रखे एक बारी लेकिन मैं नहीं हिलिया तार ही चुकी है सर सारे पाकिस्तानी पुलिस नूं जानदे नहीं माशाल्लाह छोने है गए ने छोने फोटोजेनिक फेस है तुहाडा तुहानूं कह रहे वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी तो 2020 का आगाज करते हैं ये बताइए आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रहे हैं फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किन को करेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अजमा बुखारी और मरियम औरंगजेब बोरियत किल करने के लिए तो अजमा बुखारी अजमा बुखारी ठीक है ये बताएं चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं दो सीट्स हैं एक आपके अपनी दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिनको साथ लेके जाएंगे उनके चांद से वापस आने की गारंटी नहीं है ऑल्दो आप वापस आ जाएंगे ऑप्शंस हैं आपके पास फैसल वाड़ा और डॉक्टर आमिर लियाकत फैसल वाड़ा को रहना चाहिए चांद के ऊपर लिफ्ट में एंटर हुए हैं असेंबली की तीन लोग उसमें ऑलरेडी मौजूद थे एक के साथ आप सेल्फी लेंगे एक को आप कर्टसी में स्माइल करेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान राजा बिशारत और जनाब यासिर हमायूं तो ये बताएं कि तस्वीर किस तरह खिंचाएंगे तस्वीर यासिर हमायूं स्माइल किन को दे रहे हैं
राजा बिचार। किन को कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया? अलीम खान। अलीम खान, ठीक है। ये बताएं सर, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगे, रोज सुबह उठेंगे नजर उस तस्वीर में पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस हैं आपके पास सर, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान। शहबाज शरीफ की लगाऊंगा लेकिन उल्टी। शहबाज शरीफ साहब की लगाएंगे। ये बताइए सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं एजाज साहब, दो वीआईपी पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर शीरी मजारी और इकरा। डॉक्टर शीरी मजारी। डॉक्टर शीरी मजारी, उनके पास भी ह्यूमन राइट्स का पोर्टफोलियो है। अच्छा, ठीक, हमारी आपस में बहुत गुफ्तगु होने का मार्जिन है। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महवेश हयात, सबा कमर और माहिरा खान। महवेश हयात। महवेश हयात, क्या बात है, ठीक है जी। इकरा, आधी रात का वक्त, शरीफ बोरियत का आलम, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास फयाजुल हसन चौहान और जनाब शहबाज गिल। पहली बात तो दोनों का नहीं पता, उनको पता ही नहीं है। तो आप बताएं ना, इधर वास्ते पूरी ट्यूशन पढ़नी। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान के लिए पूरी ट्यूशन पढ़नी। नहीं, फयाजुल हसन ने पॉलिटिक्स आते हो कहते नहीं, मगर वैसे आपके ख्याल में मशवरा आप दे सकते हैं किस किस बात करनी चाहिए इनको बोरियत किल करने के लिए? उनको पता ही नहीं है कि। अरे आप अपने एक्सपीरियंस के तहत बताए ना कौन बोरियत किल कर लेगा। आप फयाजुल हसन चौहान साहब तो चले, फयाजुल हसन देख ले फिर, फयाजुल हसन चौहान ही है जो बोरियत किल कर सकते हैं। ये बताइए, आपने एक नया इंस्टा अकाउंट बनाया है, अब आप एक किसी पर्सनैलिटी को ओपनली फॉलो करेंगी, एक किसी को सीक्रेटली फॉलो करेंगी और एक को आप देखते ही ब्लॉक कर देंगी। ओके, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास इसमें फवाद खान, मिकाल जुल्फिकार और अली जफर। तो ये बताइए कि सबसे पहले सीक्रेटली किसको फॉलो करेंगी? फवाद खान। ओपनली किसको फॉलो करेंगी? अली जफर। और ब्लॉक हो गए? निकाल। ठीक है। ये बताइए कि मजबूरी के तहत आप भी तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगाएंगे, रोज सुबह उठेंगी नजर उस तस्वीर में पड़ेगी, कौन होगा वो? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। आई थिंक मुराद अली शाह। मुराद अली शाह। वो कौन है? इंसान। वैसे कौन है मुराद अली शाह? आपने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया, कौन है? वो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने अक्सर उनका नाम न्यूज़ में सुना है। अच्छा, उस्मान बुज़दार कौन है? वो तो ये बताएंगे। चलो, ये पता है सबको। अच्छा, पता है उनको। ठीक है, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। क्या बात है। ये बताइए, डूबती कश्ती, दो लाइफ जैकेट, एक अपनी, दूसरी किसी और को देनी है, किसको देनी है दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया और जनाब इजाज आलम ऑगस्टाइन। वैसे इन्हें तो लाइफ जैकेट की जरूरत है, इन्हें तो वैसे ही डुबन ही नहीं देना कि उनको फैसला करने दें आप जी। आई थिंक कैसर पिया। कैसर पिया, कोई खास वजह? उनकी विश पूरी हो जाएगी ना। उनकी विश पूरी हो जाएगी कि वो आपके हाथों बचे। ओए होए, और इजाज साहब का क्या होगा? उन्हें बचाने कोई भी आ जाएगा। ओए होए, इजाज साहब देख लें। बहुत शुक्रिया इजाज साहब, थैंक यू सो मच। इकरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। सर आ जाएं फिर।